श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। मध्य प्रदेश राज्य के ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री पवित्र शिव महापुराण कथा के दूसरे दिन की कथा मतलब आज 10 जून की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जिसका आनंद आप 9 जून से 15 जून 2024 तक दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से कर पाएंगे। आज की कथा में गुरुजी ने रोचक पत्रों के साथ साथ कुछ उपयोगी जानकारियां भी दी हैं। साथ ही आज गुरुजी ने एक विशेष बुद्धि और विवेक में विकास वाला एक उपाय की भी जानकारी दी है जिसे हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। आज 10 जून दूसरे दिन की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 11 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अगर किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का तत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही आज गुरुजी ने कहा, आप भोलेनाथ के मंदिर में जाकर देखते हैं तो आप सबसे पहले माता पार्वती को देखते हैं कि वह वहाँ है कि नहीं। और महादेव ने स्वयं माता पार्वती से कहा है, सुनो पार्वती, मैं विश्वास हूँ और तुम श्रद्धा हो, और मेरे करीब जो आना चाहता है उसे मेरे प्रति विश्वास होना चाहिए और अपने गुरु के प्रति श्रद्धा होना आवश्यक है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, केवल 12 ज्योतिर्लिंग में एक ओमकारेश्वर ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पर महादेव ने ओम का नाद किया है और अन्य कहीं पर भी आपको ओम का नाद देखने को नहीं मिलता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, घर में माँ और हाथ में माला जिसके पास होती है उसका कोई भी नाश नहीं कर सकता है। तुमने गले में कंठी पहने हुआ है और आप दूसरे का अपमान कर रहे हैं तो कंठी पहनने का कोई भी मतलब नहीं है। कंठी का मतलब होता है अपने कंठ को सुधारना। और गुरुजी ने कहा, उसी तरह मंगल सूत्र का भी मतलब होता है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ तुम्हारे सदैव चलने के लिए कोई ना कोई अवश्य है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आजकल लोग रुद्राक्ष या तुलसी की माला की जगह बटन वाला कोई यंत्र लेकर आ जाते हैं, पर जब हम तुलसी की माला या फिर रुद्राक्ष की माला से स्मरण करते हैं, मंत्र जाप करते हैं और बीच में जब सुमेरु आ जाता है वहाँ से हम माला को पलट देते हैं और जैसे ही एक माला पूरी होने के बाद हम उसे पलटते हैं तो भगवान भी हमारा भाग्य पलट देते हैं। रुद्राक्ष की माला और तुलसी की माला जपते हैं तो हमारी इंद्रियां उसके अनुकूल रहती हैं, पर इस बटन को दबाने वाले यंत्र से आपको कौन सा पुण्य मिलने वाला है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, इतना भी फैशन ना लाओ कि परमात्मा पीछे हट जाए और तुम्हारा फैशन आगे बढ़ जाए। और शिव महापुराण की कथा कहती है, हाथ में माला रखो या ना रखो पर शिव के प्रति विश्वास जरूर रखो। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। सीमा यादव जी पत्र लिख रहे हैं जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी शादी के 17 वर्ष हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। हमने 5 बार IVF और 3 बार टेस्ट ट्यूब भी करवाया था पर संतान नहीं हुई। तब हमने बेलपत्र के पेड़ के नीचे खीर वाला उपाय भी किया पर उसके बाद भी गर्भ नहीं ठहरा। इसके बाद मैंने पशुपतिनाथ व्रत किया, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। बाबा की कृपा से मेरे घर में 2 पुत्रों ने जन्म लिया है, उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। सपना अशोक केवट जी धार से पत्र लिख रहे हैं जिसमें उन्होंने लिखा, 19 वर्ष निकल गए थे, औलाद का सुख नहीं था, फिर मेरी मम्मी के कहने पर हमने आपकी कथा सुनना शुरू किया। आपका बताए अनुसार पशुपतिनाथ व्रत किया और बेटमा की कथा को हमने पंडाल में बैठकर सुने और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कल एक पत्र आया था जिसमें लिखा था, हमारी ड्यूटी तो यहीं ओमकारेश्वर में लगी है। आपने कथा में कहा है कि शंकर पर जल चढ़ाने से बाबा अवश्य सुनता है, पर मैंने बाबा को कई बार जल भी चढ़ाया है फिर मेरी बाबा क्यों नहीं सुन रहा है। तो इस पर गुरुजी ने कहा, अगर हम कहेंगे तो काली मिर्ची लग जाएगी। तुमने अभी तक ड्यूटी सरकार की है, जिस दिन तुम मेरे ओमकार नाथ की ड्यूटी कर लोगे झोली निश्चित भर जाएगी। दुनिया की तनख्वाह में और महादेव की तनख्वाह में बहुत बड़ा अंतर होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की आठवीं विशेष जानकारी की ओर। राधा जी पत्र लिख रहे हैं जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी बहन की अचानक तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि इसका लीवर और किडनी दोनों ने कार्य करना बंद कर दिया है, इसके पास केवल आधा घंटे का ही समय है। अचानक से हम बहुत घबरा गए पर उसे वेंटिलेटर में रख दिया गया। रुद्राक्ष का जल हमने शिवलिंग पर चढ़ाकर वह जल को प्राप्त करके उसे दे दिया, उसे पिला दिया और उसके शरीर में भी लगा दिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना शुरू किया और बाबा की कृपा से आज मेरी बहन पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की नौवीं विशेष जानकारी की ओर। कृष्णा परिहार जी देवास से पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने लिखा, मुझे 5 साल से ब्रेन ट्यूमर था, मैंने भारत के टॉप 5 हॉस्पिटल में दिखाया, सभी डॉक्टर ने मीटिंग ली और कहा कि गठान ब्रेन के बहुत अंदर है, निकालने में कठिनाई होगी और बच्चा कोमा में भी जा सकता है। तभी मैंने सीहोर के रुद्राक्ष का जल के बारे में सुना और सीहोर से रुद्राक्ष को बुलवाकर उसका जल का आचमन करना शुरू किया। शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ाता और जल का थोड़ा सा भाग प्राप्त करके उसका औषधि रूप में आचमन कर लेता, नंदी के पास बैठकर बेलपत्र भी खा लेता। अभी मेरे ब्रेन में कोई भी तकलीफ नहीं है, तकलीफ मेरी दूर हो चुकी है और अभी मेरी MRI भी होने वाली है और विश्वास है बाबा चाहेगा तो सभी रिपोर्ट नॉर्मल भी आ जाएगी।
बढ़ते हैं आज की कथा की दसवीं और सबसे विशेष जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने अपनी आपबीती को बताते हुए अपने जीवन की कुछ बातें बताई हैं, जो कि इस प्रकार है। गुरुजी ने कहा, मध्य प्रदेश के बाबई के पास सुहागपुर में हुई कथा में हमने इस बात का वर्णन किया था, आज फिर से वर्णन कर रहे हैं। 22 वर्ष पहले हमने नर्मदा माई की परिक्रमा की थी और परिक्रमा करते करते जब हम शूलपाणेश्वर की झाड़ियों में पहुँचे तो वहाँ हमारा सारा सामान ले लिया गया। अभी तो ऐसा नहीं होता है, पहले ऐसा हो जाता था। अब हम सभी को भूख लग रही थी और हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। डेढ़ दिन का समय निकल गया, एक दाना भी मुख में हमने नहीं लिया, बस नर्मदा जी का जल पीते और नर्मदे हर बोलते रहते। तभी एक सफ़ेद साड़ी में, जिसके सफ़ेद बाल थे, माथे में सफ़ेद बिंदी थी, नाक में बड़ी नथ पहनी हुए थे, कान में कुछ नहीं था, नर्मदा जी का जल भरते हुए हमसे बोली, परिक्रमा वासी हो? हम सब ने कहा हाँ। फिर कहती हैं, कुछ खाया कि नहीं? हमने कहा नहीं। इसके बाद वह बूढ़ी माई हमसे कहती है कि सामने देखो, झोपड़ी दिख रही है। हमें नहीं दिख रही थी, पर भूख इतनी लगी हुई थी, हमने बोल दिया कि हाँ दिख रही है। फिर कहती है, आ जाना थोड़ी देर से, भोजन कर लेना। बहुत ढूंढने के बाद भी हमको झोपड़ी नहीं मिल रही थी। फिर जैसे तैसे हमने ढूंढा तो जंगल के बीच में एक झोपड़ी दिखाई दी, जहाँ पर जाकर हमने माँ कहकर आवाज़ दिया और उनने कहा, बाहर ही बैठो, अंदर मत आना, मैं वहीं आ रही हूँ। इसके बाद माँ ने बड़े बड़े पत्तों में हम सबको मीठा दलिया खिलाया और हमने कहा, माँ पानी? तो माँ ने कहा, इतनी बड़ी नर्मदा माई तो बह रही है, जाओ पानी पी लो। और जब हम जल पीकर वापस धन्यवाद करने के लिए माता जी के पास आए तो वहाँ पर ना झोपड़ी थी ना माँ थी। इसके बाद गुरुजी ने कहा, ऐसा साक्षात्कार रोंगटे खड़े कर देता है, आश्चर्यचकित कर देता है। गुरुजी को 22 साल पहले कैसे मां नर्मदा का साक्षात्कार हुआ था, वह गुरुजी ने आज बताया। गुरुजी की आपबीती सुनकर आपको कैसा अनुभव हुआ? क्या आपको भी खुशी हुई है? कमेंट बॉक्स में आप नर्मदे हर या फिर जय मां नर्मदे लिखकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिस व्यक्ति को बुद्धि या विवेक में कमी हो या फिर कार्य नहीं कर रहा हो, तो वह अगर ओमकारेश्वर की भूमि में आकर एक लोटा जल ओमकारेश्वर को ओम का नाद करते हुए, मतलब ओम बोलते हुए चढ़ा देता है, तो उसकी बुद्धि और विवेक भी कार्य करना शुरू कर देती है। यह गुरुजी का बताया आज की कथा का सबसे सरल और विशेष उपाय है, जिसे आप जब कभी भी ओमकारेश्वर की भूमि में जाएं तो अवश्य कीजिएगा। अब आपको हम एक खुशखबरी देना चाहते हैं। हमने व्हाट्सएप चैनल बना लिया है, जिसमें हम रोजाना के तिथियों की जानकारी के साथ साथ भोलेनाथ से जुड़े सुंदर स्टेटस और भजन की जानकारी भी देते हैं, जिसमें हम गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी से जुड़ी आवश्यक सूचनाएं भी देते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा वह व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दी है। कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक में टच करके आप अभी हमें व्हाट्सएप में भी फॉलो कर सकते हैं। और आज की कथा से अगर आपको आनंद की प्राप्ति हुई है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।